हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ सुभाष सर क्लासेस स्टूडेंट जैसे कि लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच ई बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट चार्ज ई इज इक्वल टू एफ बाई प्लस क्यू नॉट इसको आपने याद कर लिया होगा ठीक है और नेक्स्ट वन जो इसके बाद मैंने बताया था दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अर्टन टाइप ऑफ वर्कडन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम दिस इनफिन पॉइंट टू अनादर पॉइंट ए ये वर्कडन जो हो रहा है इस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से कैरी करने में ए तक उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज रिप्रेजेंटेड बाई वी वी इजल टू वर्क बाई चार्ज वी इजल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट दिस इज द एसेंशियल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिक फॉर्मुले आपको याद है ठीक है नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी दोबारा मैं हिंदी में बोल रहा हूं इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ठीक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशनशिप डेवलप करेंगे मैथमेटिकली ओके okay? चलिए शुरू करते हैं सो so, स्टूडेंट इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी ठीक है मान के चलते हमारे पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है और उसके अंदर मैं दो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस आउट करता हूं ठीक है अब ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेस क्या होता है लेट फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई सर्फेस आपने ड्रॉ किया इलेक्ट्रिक फील्ड में ठीक है इसपे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ठीक है देर विल बी एग्जिस्ट सो मेनी पॉइंट्स ऑन दिस सर्फेस तो इस सरफेस में जितने भी पॉइंट्स आप प्लॉट करोगे सबका पोटेंशियल इक्व होना चाहिए लेट फॉर एग्जांपल मान के चलो इस पॉइंट का 20 वोल्ट पोटेंशियल है तो इसका भी 20 वोल्ट होगा इसका भी 20 वोल्ट होगा जितने पॉइंट्स आप एलोकेट करोगे सभी के वोल्टेज यानी कि या पोटेंशियल सभी का बीस वोल्ट होगा ऐसे सर्फेस को इलेक्विड पोटेंशियल सर्फेस हम लोग कहते हैं ठीक है स्टूडेंट तो अब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड एलोकेट करते हैं यहां पे दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय ई, ओके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज सर्फेस एस वन एंड दिस इज अनदर इक्विपोटेंशियल सर्फेस एस टू ठीक है इस सरफेस इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे एक पॉइंट एलोकेट है ए इस सर्फेस एस टू पर एक पॉइंट एलोकेटेड है बी एक यूनिट चार्ज हम ले रहे हैं डीक्यू ठीक है और उसको यहां से डिस्प्लेस करके बी पॉइंट पर ला रहे हैं सरफेस एस वन फ्रॉम सरफेस एस वन टू एस टू ठीक है दिस चार्ज इज रिप्रेजेंट बाई डी क्यू तो डीक्यू चार्ज को ए पॉइंट से डी क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ला रहे हैं फ्रॉम सरफेस एस वन टू एस टू और यहां से यहां तक ट्रेवल करने में जो एक डिस्प्लेसमेंट आएगी दैट इज डी आर इज डी आर ओके स्टूडेंट्स

वर्क डन का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आया हुआ मैंने यहां पे एडिशनल लिखा हुआ वी इज इक्ल टू डब्ल्यू बाई क्यू यूजिंग दिस फॉर्मूला दिस इज वी वी कैन राइट इट डी वी दिस इज डब्ल्यू वी कैन राइट इट डी डब्ल्यू एंड दिस इज चार्ज तो यहां फिगर में डी क्यू एलिमेंट्री चार्ज दिखी रहा है डी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू मल्टीप्लाई डीवी इक्वेशन नंबर वन ओके स्टूडेंट्स डी डब्ल्यू इज इकल टू डी क्यू इन टू डीवी यूज इंग दिस फॉर्मूला बट वी ऑल्सो नो वर्क इजल टू फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट हम लोग प्रीवियस क्लासेज में यह जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट सो वी कैन टेक डी डब्ल्यू

और डॉट प्रोडक्ट का यूज हम लोग जानते हैं मॉडुलस ऑफ एफ मॉडुलस ऑफ डी आर थीटा, ठीक है एफ डी आर कॉस थीटा की वैल्यू ऊपर आ चुकी है माइनस वन सो मल्टीप्लाई कर लेगा तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर ओके स्टूडेंट तो दिस इज डीडब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ एफ डी आर इक्वेशन नंबर टू नाउ यूजिंग दिस फॉर्मुला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिज इक्ल टू एफ बाई क्यू टेस्टर आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह बराबर होगा क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सो ई कैन बी टेकन ओनली ई नॉट डी ई इसमें देना है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है इसलिए इस ई e को डीई नहीं लेना है इट इज ई एंड फोर्स विल ऑल्सो सेम क्योंकि चार्ज आपका एलिमेंट्री इसी इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है चार्ज भी सेम है तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स चाहे यहां हो चाहे यहां हो तो सेम ही होगा सो दिस एफ विल ऑल्सो एफ ओके बाय डी ये क्या है चार्ज है तो ये यह चार्ज यहां पे आपको साफ दिख रहा है दिस इज डी क्यू तो सो हम इस क्यू को हटा के डी कर देंगे ठीक है इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई तो एफ इज इक्वल टू ई डी क्यू नंबर थर्ड ओके स्टूडेंट ये एफ की वैल्यू जो आ रही है आपकी नंबर थर्ड में इसको पुट अप कर दो टू में ठीक है इन इक्वेशन टू तो डी डब्ल्यू दिस दिस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ की वैल्यू ये आ गई ई डी क्यू डी आर इक्वेशन नंबर फोर ओके स्टूडेंट नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फोर विद इक्वेशन नंबर फर्स्ट ठीक है नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर दिस फोर डी डब्ल्यू to this equation number first on comparing first and fourth ठीक है स्टूडेंट तो दिस इज डी डब्ल्यू दिस इज ऑल्सो डी डब्ल्यू कंपेयर कर देंगे राइट हैंड साइड तो डी क्यू डीवी इक्वल टू माइनस ई डी क्यू डी आर अगर इन दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो क्या चीज कैंसिल आउट हो रहा है दिस इज डी क्यू तो बचा क्या हमारे पास dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर ओके स्ट्रेंड डी आर नीचे गया तो ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर क्लियर तो दिस इज द एसेंशियल रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस ओके स्ट्रेंड तो इसको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा इस वीडियो को बार बार देखिए और पॉज करके इसके नोटबुक तैयार कीजिए दिस इज अ वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड्स ठीक है रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड वी थैंक यू वेरी मच वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच इज कनेक्टेड टू दिस टॉपिक थैंक यू वेरी मच फ्रेंड बाय